भाई और बहनों, सोनीपत तो उद्यमियों का एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। यहां उद्योगों से तो तेजी से विस्तार हो रहा है। और मैं हरियाणा में काम करता था तब तो मेरा नाता स्वाभाविक था, लेकिन हमारा जो सूरत है, आधा सूरत सोनीपत और भिवाणी इसी पट्टे से लोगों से भरा हुआ है। सूरत के अंदर हर कारोबार में आपको सोनीपत वाला मिलेगा या भिवाणी वाला मिलेगा। पिछले साल ही मुझे गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री के काम का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। ये फैक्ट्री इस पूरे क्षेत्र में रोजगार निर्माण का बहुत बड़ा सेंटर बनने वाली है। ये फैक्ट्री ऐसे समय में बनी है जब देश में रेलवे का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेन ट्रैक पर उतारी जा रही है। इतना ही नहीं, भारत विदेशों को भी अब ट्रेन कोच निर्यात कर रहा है। ऐसे में गन्नौर की इस फैक्ट्री की भूमिका अहम होने वाली है और यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी बढ़ाने वाली है। साथियों, उद्योग हो, रोजगार निर्माण हो, इसका सीधा संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर है। हरियाणा में आज अगर उद्योगों का दायरा बढ़ रहा है तो इसका कारण है यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा सुधार। बीते 5 वर्षों में यहां 8 नेशनल हाईवे का काम हुआ है। 8 जींद, सोनीपत, गोहाना, जींद रेल लाइन तैयार भी हो चुकी है और बेहतरीन सेवा भी दे रही है। सोनीपत रेलवे स्टेशन आधुनिक स्वरूप में आपके सामने है। मेट्रो का विस्तार सोनीपत में भी हो, इसके लिए भी काम चल रहा है। जल्द ही ये इलाका दिल्ली से रैपिड रेल ट्रांजिट जैसी व्यवस्था से भी जुड़ने वाला है।